वेलकम बैक। ये हमारा सेगमेंट है फैशन का और हमारे साथ मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनर फहाद हुसैन। उनसे आपकी यकीनन मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ़ द डे पहले बता दूं जी। हिस्ट्री ऑफ़ द डे ये है कि 1 जुलाई 1997 को 156 साल के लिए लीज़ पर दिया गया शहर हांगकांग चीन को वापस कर दिया गया था। शहर भी लीज़ पर दिए जाते थे भाई। 1 जुलाई 1994 में यासर अराफात 27 साल जलावतनी के बाद फ़लस्तीन वापस आए। उनकी वापसी वाशिंगटन में होने वाले अमन मुआहदे के बाद अमल में आई। ये थी हिस्ट्री ऑफ द डे। और अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं फैशन डिज़ाइनर फहाद हुसैन से। क्या हाल है फहाद? I'm good, thank you. क्या मसरूफियात चल रही हैं? क्या डिज़ाइन कर रहे हैं आजकल? कपड़े yeah. कोई खास किस्म के कपड़े? नो, नथिंग इन पर्टिकुलर। आई मीन वर्किंग ऑन फैशन वीक कलेक्शन, उसके साथ साथ डेली जो काम होता है। अच्छा, ये बताएं कि करियर कब स्टार्ट किया था आपने? करियर स्टार्ट काफ़ी पहले हो गया था, बट दैट वाज ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। सो लाइक बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट किया आई थिंक इट्स अराउंड 3-3.5 इयर्स। अच्छा, सही। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि हम चाह रहे हैं कि सेगमेंट में नाज़रीन को पता चले आजकल गर्मी बहुत है कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या इन है, क्या आउट है। तो उस हवाले से बताएं कि व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। पर्सनली इट्स अ पर्सनल चॉइस दैट आई हैव इज दैट You should always wear what suits you rather than what's in and what's out. Because a lot of people, like aajkal वैसे तो otherwise the flared kurtas and kaftans and then all these things are pretty much in. But then there are people जिनको वो चीज़ें बिल्कुल भी suit नहीं करती and I think they make a fashion disaster when they wear them. So they shouldn't be wearing them. Just because it's in nowadays doesn't mean you it's for you. So I think a lot of people need to first learn that. बाकी in तो I think a lot of flair is in nowadays. Length doesn't really matter, but long length people prefer long length. So that's what's in for some of us. कोई आपने भी बात की ना कि लोग ये नहीं देखते कि भाई फैशन है तो करना है, चाहे सूट करे या ना करे, है ना? Yeah. इसकी क्या वजह है? I have no. I think it's more like social pressure or something. बस ट्रेंड चल गया है तो जी करना है. Have to do it. I mean, I sometimes मैं खुद उनको बताता हूँ कि आप पे अच्छा नहीं लग रहा, and then. But they have this certain bubble around them that they look nice, so you can't really burst it. तो किस तरह से अंदाज़ा हो सकता है किसी को कि भाई अगर वो लंबा है या चबी है तो किस किस्म के कपड़े पहने जिससे वो पतला लगे, या फिर अगर शॉर्ट है तो कैसे पहने, इस हवाले से? आई थिंक हर बंदे को अपनी बॉडी की फिजिक का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है. लाइक आई नो माई सेल्फ रियली वेल, नॉट दैट आई एम अ डिज़ाइनर समथिंग, यू नो, हर बंदे को पता होता है व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक. एंड सो आई थिंक इफ यू पेटीट a flare somehow suits you as long as it's fitted in the right areas and it's loose in the right areas. And if you're short, I think you should probably avoid wearing very long lengths because then it makes you look shorter. Acha, theek, sahi. Aur jo lambe log hain unke liye? लंबे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा, चलेंगे तो अच्छी बात है. उसके अलावा फैब्रिक के हवाले से हम बात करते हैं. फैब्रिक कैसे, कौन सा फैब्रिक पहनना चाहिए आजकल गर्मियाँ हैं? फैब्रिक्स मोस्टली पाकिस्तान आई थिंक इज ब्लेस्ड विद लॉन, सो दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग टू वेयर. And aajkal to you know people have gone into such elaborate creations with lawns, so you know you can even wear it to formal occasions, but lawn is a fabulous thing. Otherwise Pakistan mein I think personally there's not a lot of things that you can play with, like hum logon ki skin tones or is type ki cheeze is tarah ki hai ki hum a bahut sare colors carry nahi kar sakte, b bahut sare materials carry nahi kar sakte. Like yahan pe lycra aur woven knitted fabrics ka itna zyada rivaj nahi hai, aur ek साल में 8 महीने वैसे ही गर्मी रहती है, सो आप पहन भी नहीं सकते. सो इट्स मोस्टली इट्स मोर लाइक फॉर्मल मटेरियल्स लाइक सिल्क्स एंड शिफॉन्स एंड कॉटन्स एंड लॉन, सो दैट्स व्हाट्स ऑलवेज बीन देयर. ठीक है, ग्रेट. अच्छा, उसके अलावा जब कलर स्कीम्स की बात होती है तो गर्मियों में तो खास होती है कि आप ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ है क्या? कौन से कलर्स अवॉइड करें? व्हेन आई एम डिजाइनिंग फॉर पीपल, आई डिजाइन अकॉर्डिंग टू व्हाट दोस पीपल आर अबाउट. अच्छा, इट्स नेवर अबाउट द कलर इटसेल्फ. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आई स्टिल सजेस्ट देम, लाइक आई ऑलवेज वेयर ब्लैक समर्स और विंटर्स. आई ओनली वेयर ब्लैक बिकॉज आई लव इट माईसेल्फ. आई थिंक एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती है आपको वो पहननी चाहिए, रादर देन यू फॉलोइंग अ ट्रेंड. बट समर्स येस जनरली आप उनको एसोसिएट करते हैं विद लाइटर कलर पैलेट्स. सो मेरी इस बार लाइटर कलर पैलेट्स भी हैं एंड I've done very bright color palettes as well. अच्छा, उसके अलावा ये बताएं कि होता है ना कि डे लाइट के अंदर ये कलर्स पहनने हैं और नाइट में ये कलर्स पहनने, इस तरह का भी है कॉन्सेप्ट? है, but I don't really believe. अच्छा, मतलब आपको है कि कभी भी पहन सकते हैं किसी भी वक्त? I think एक आउटफिट की इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप उसके गिर्द अपनी जिंदगी स्केड्यूल कर लें.
So, you know, that an outfit is supposed to be your accessory. You're not an outfit's accessory. मैं तो ये बात सुनके बहुत खुश हूँ, because मुझे तो मेरा बस चले तो मैं रोज थाला पहन के बैठ जाऊँ, because मुझे लोग कहते हैं कि मुझे भी लोग कहते हैं, a lot of people think I don't even have clothes, I just have this one outfit and I just keep on tearing it off and wearing it again. But then it doesn't really matter what you're doing as long as you're looking good. है ना? Oh great, good to know that. अच्छा फहद, ये बताएं कि colors जो हैं वो represent करते हैं आपकी personality को? Yes. इस हवाले से कुछ बताएं. I think a color says a lot about your personality more than you think. Like personally, I think my association with black is because I'm very interested in dark humor, in dark literature. I'm not a dark person, but I'm very fantasized by the whole culture of gothics and all these things. So mujhe ek fascination hai. So I think my inclination black color ki taraf isliye zyada hai. There are a lot of people there. Like I think it has a lot to do with psychology about what a person is thinking right now. It says out in colors. Acha. Uske alawa ye bataye ki aap apni dress designing mein combinations aur themes kis tarah se banate hain? Kya dimag mein rakhte hain jis waqt? I'm very controversial when it comes to my high fashion designs. To koi as such khas theme nahi hoti, but then something that you know, sometimes aapko waise hi baithe hue, sometimes just something just hits you by surprise and you want to do something about it. So I just pick up a pen and paper, I start sketching. Sketching ke baad phir I do some research as in what colors I should be putting in. I'm working on this collection, it's called Rock Rudali. So I'm mixing the cultures of Rudalis with the rock culture. So now I'm picking up images from Thar Desert and I'm picking up rock glam rocky images. So it's like, you know, there's a whole process. You go into research, you find materials related and then you find colors and all these things, so it just works. Colors ki ahmiyat ki baat ho rahi thi, mere dimag mein badi weird si baat aayi hai, wo ye ki matlab ab kala jo rang hai wo bridal wear mein to nahi aap istemal kar sakte, kabhi aisa hua? Kar sakte maine kabhi nahi dekha aisa hota hai. Dekhe, bridal main banata hu. Last year in November my fashion week finale piece was a black bridal. Really? Yeah, and people actually buy it. I mean, I personally, I think black is a very classy color. I would love to buy a bridal dress jo kala, because maine nahi dekha abhi tak, you know, thoda weird lag raha hota hai ki bridal wear kala. I made it for my brother's wife. She also was not very happy about it, but then it looked really nice. Acha, zabardast. Wo soak ki alamat hai na, kala rang mere khayal se. I'm not a conservative. Achha, I don't really think about it. मेरे लिए white is a very soulful color. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि fashion जो है कितने अरसे के बाद दोहराया जाता है. जैसे देखा जाता है बहुत सारी ऐसे फैशन हैं जो आउट हो गए थे बिल्कुल, अब दोबारा से आ गए, तो कितने अरसे के बाद फैशन जो है? I think give or take a decade at least. Like आजकल 90s वाली चीज़ें back in fashion again. You know, the same kaftan and the loose shirts and the flared shirts and culottes and all these things. So give or take a decade mostly. अच्छा, पिछले दो सालों में कौन कौन सी चीज़ें हैं मज़े की जो पुराने ज़माने में होती होंगी, लाइक फ्लैरी और जो दोहराई गई हों? काफ़ी चीज़ें, शॉर्ट शर्ट्स थी, इतनी मुश्किल से गई हैं जो कि वो तंग पांजे वाली शलवार, दे वर ऑल 80s के फैशन उससे पहले. सो इट्स मोर लाइक वी वर फॉलोइंग द 80s एंड देन नाउ वी आर फॉलोइंग द 90s. So let's hope we come to our senses very soon. शॉर्ट शर्ट्स वाला, ये जो अब लंबी लंबी शर्ट्स आ गई, कौन सा ज़्यादा मज़े का लगता है? पता है, फैशन ट्रेंड्स नीड टू चेंज क्विकली. हमारे मुल्क का ये मसला है कि एक चीज़ आ जाती तो जब तक लोग उससे इमेंसली तंग नहीं आ जाते वो उसको छोड़ते नहीं हैं. ठीक है, जैसा आई पर्सनली, इट्स माई जोक, आई डोंट नो इफ यू बी एबल टू रिलेट टू इट और नॉट. एक पाकिस्तान में एक दफ़ा मोव कलर का फैशन आया था. आई कैन नेवर मेक अ मोव कलर एवर अगेन, बिकॉज मेरी एसोसिएशन इतनी बुरी हो गई है कि मैंने 5 साल सिर्फ मोव कलर बनाया था. लाइक आई वुड नेवर वॉन्ट टू रिपीट इट एवर अगैन. So once you do have a fashion that you have to work on, people beat it down to death so you can never use it again. And that's not cool. I think you should just keep on switching things, because aap kitne kaftan on kar sakte hain aur aap kitni flared shirt on kar sakte hain aur aap kitne short shirt aur salwar pehen sakte hain. You should have a diversity in your closet. Acha, bilkul short shirts jo thi wo to bilkul hi out ho gayi hain. Ab to bilkul koi nahi pehen raha. Bechare abhi 2 saal pehle ye lambi shirts ka fashion aaya hai, to ab wo maine dekha hai meri friends bhi ki yaar itne mehenge mehenge kapde banaye the, ab to wo pehenne ko dil nahi chahta. तो पहनी जा सकती है, कोई तरीका है कि वो सब एक्सटेंशन लगा लेते? एक्सटेंशन इज अ वेरी बैड आइडिया. आई हेट इट. एक्सटेंशन इज अ वेरी बैड आइडिया, बट या यू कैन पेयर देम अप विद फ्लेयर्ड पैंट्स. आई मीन, एक एलिमेंट आप रीसेंट फैशन का रख लें, एक पुराना रख लें. आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनके मैंने आज से 2-3 साल पहले कपड़े बनाए थे एंड वो लेके आते हैं कि अभी तुम्हारी शादी हुई थी, अभी तो हमने पहने भी नहीं है, और ये तो ना यू डू समथिंग विद इट. सो आई जस्ट मेक देम लाइक खुले पैंचे वाली शलवारें विद इट एंड
trendy loafers so that they can pair them up and wear them again. कौन से कलर्स इन हैं आजकल जो हॉट हॉट कलर्स आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ ऑफ वाइट आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल बट आजकल मेरी फेवरेट पैलेट इज ऑफ वाइट एंड सी ग्रीन्स एंड रस्ट्स एंड ऑल दीज मुगल टोन्स लाइक जूल टोन्स जो होती हैं सो आई एम वर्किंग ऑन दोस सही फहद ये बताएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको ज़्यादा मतलब बहुत सादा होते हैं ठीक है वो किस तरह से फैशन कर सकते हैं ऐसे कि वो फैशनेबल भी लगें और ज़्यादा यू नो ज़्यादा चीज़ें मतलब जो मेकअप नहीं पुट ऑन करना चाहते और ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहनना चाहते तो उनके लिए कुछ मशवरा दें